मतलब क्लॉक वाइज का ये है कि राइट से लेफ्ट की ओर नहीं जाएंगे, क्या लेफ्ट से राइट की ओर ही चलेगा, जो भी चक्कर है वो ये लेफ्ट ये राइट, आपको सामने से कुछ और देखता हो तो वो समझ लो, तो लेफ्ट से राइट की ओर ही चक्कर लगना वो है चक्कर लगाना। सारी यादगारें कहाँ की हैं? संगम युग में जब आत्माओं को ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमपिता परमात्मा है, तो हर आत्मा राइटियस की ओर ही बढ़ेगी या उल्टे रास्ते की ओर बढ़ना चाहेगी, भले पूर्व जन्मों के संस्कार उसको उल्टा चला देते हैं, माया उसको उल्टा घुमा देती है, वो बात अलग, लेकिन दिल की इच्छा क्या है? राइटियस ही चलना है और सब राइटियस ही चलेंगे। इस समय की यादगार है कि इस समय जो भी पुरुषार्थियों में उत्तम पुरुषार्थी हैं, जिसको सब फॉलो करते हैं, बड़े को सब फॉलो करते हैं, छोटों को बड़ों को, तो जो 8 हैं, 9 हैं और 10 हैं या 11 भी होंगे, क्या जो 11 हैं एक मुखिया का चक्कर लगाते हैं, 12-12 के 9 ग्रुप है ना, तो वो एक मुखिया का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही अभी तक जितने भी ग्रह उपग्रह संसार में मनुष्यों को प्रत्यक्ष हुए वो कितने थे? 9 थे। अभी नए नए भी निकल पड़े ना, जो पहले पता ही नहीं थे। तो ऐसे ही अब ये सारी सृष्टि में जो भी ग्रह हो या उपग्रह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो, जो भगवान को पहचान लेती है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेती है, वो उल्टा नहीं चलना चाहती, भले पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, वो संस्कार उल्टा चला देते हैं, लेकिन वो उल्टा चलना नहीं चाहते, तो सीधा ही चल रही है सब, एक हिसाब से सब आगे ही बढ़ रहे हैं, भले देखने में आते हैं क्या टूट गए तो भी ऐसे ही है, जैसे कि पहाड़ पे कोई चढ़ता है, बड़े तेज तूफान आ जाता है तो कोई शेल्टर ले लेता है थोड़े समय, ऐसे ही वो शेल्टर ले रहे हैं, तूफान कम होगा, बुद्धि थोड़ी शांत होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सीधा ही चक्कर लगाना है संगम युग में, हर आत्मा उल्टा कर चक्कर कोई भी नहीं चलाना चाहती। सब जानते हैं कि हम ईश्वरीय श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, सीधा चलेंगे तो सुख मिलेगा, सुख कौन नहीं चाहता है? ऐसी कोई आत्मा है दुनिया में जो सुख की इच्छुक ना हो, दुख ही दुख चाहती हो? कोई भी नहीं, सब चाहते हैं कि सुख शांति मिले, दुख अशांति तो कोई भी नहीं पसंद करता है। दुख अशांति ये उल्टा चक्कर, सुख शांति ये सीधा चक्कर। नंबर वार आत्माएं आती हैं और नंबर वार वापस जाती हैं। जो नंबर पहले सृष्टि पर आती हैं वो ऊंची, या जो कलयुग के अंत में आती हैं वो ऊंची है, पहले आती है वो ऊंची। ऐसे ही ब्रह्मा का भी हिसाब, क्या
जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं उनमें नारायण वाली आत्मा, उनमें लक्ष्मी वाली आत्मा, उनमें जगदम्बा वाली आत्मा, स्वर्णिम संगम युग में पहले उतरती है या बाद में उतरती है? पहले उतरेंगी। और सतयुग में जन्म लेने वाले राधा कृष्ण की आत्माएं उनके मुकाबले बाद में उतरेंगी पहले उतरेंगी? बाद में उतरेंगी। तो वो बाद वाले ब्रह्मा हुए, वो पहले वाले ब्रह्मा हुए। क्यों नहीं विशेषता है? उन्होंने जरूर कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो भगवान के शरीर को भी भगवान के रथ को जन्म देने के निमित्त बने। ये कोई कम बात है क्या है? ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों में देवभाव तो सभी को है। कोई ऐसा ब्राह्मण अभी बना है जिसको देह हो और देह के संबंधी याद ही ना आते हो? है कोई? प्रजापिता है? है? जगदम्बा है? नहीं। माँ बाप तो याद आएंगे है? अगर ये शरीर ही नहीं होता तो काहे से पुरुषार्थ होता? पुरुषार्थ करने का आधार क्या है आत्मा के लिए? शरीर। तो ऐसे शरीर का जिन्होंने जन्म दिया है और वो भी उस शरीरधारी को पता हो कि हमारे माँ बाप ने शरीर की सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया है, तब तो और ज्यादा याद आती है। माने हर मनुष्य की कोई न कोई राशि होती है, राशि भी होती है, नक्षत्र भी होते हैं। इस नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया है। तो राक्षस गण वाले भी अपने में परिपक्व होते हैं, देवगण वाले भी सक्षम होते हैं, जो मनुष्य गण जिनका होता है वो थोड़े कमजोर, मतलब इतने पावरफुल नहीं होते। भगवान मनुष्यों को मिलता है या देवताओं को मिलता है या राक्षसों को मिलता है? जो कमजोर होते हैं उन्हीं को भगवान मिलता है, देवताओं को थोड़े मिलता है, राक्षसों को थोड़े मिलता है। राक्षस तो अपने को बहुत बलवान समझते हैं, देवताएं अपने को बलवान समझते नहीं हैं, लेकिन देवताएं तो वास्तव में ऊंचे होते ही हैं, क्योंकि जब देवताओं का राज्य होता है तो कोई भी असुर उस दुनिया में टिका हुआ नहीं होता है। देवताओं के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, धरणी पर नहीं पड़ते हैं। क्या? जो देवताएं होते हैं उनके पांव धरणी पर नहीं पड़ते हैं। किस पर पड़ते हैं फिर है? अरे धरणी पर नहीं पड़ते हैं, धरणी भी तो एक तत्व है। पांच तत्वों में से धरणी पर पांव नहीं पड़ते हैं, फिर कहाँ पड़ते हैं? है? धरणी पर देवताओं के पांव नहीं पड़ते तो कहीं पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? देवताओं का गायन है, देवताओं के पांव
पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। माने पृथ्वी जो है वो तो सारी पृथ्वी है, विदेशी धर्म खंड भी क्या है, पृथ्वी का ही हिस्सा है। और जो भारत का धर्म खंड है अविनाशी धर्म खंड, वो भी पृथ्वी का हिस्सा है। लेकिन भारत में भगवान तो आते हैं, भगवान के तो पांव पड़ते हैं, लेकिन जो देव आत्माएं हैं उनके पांव धरणी पर नहीं पड़ते। किस पर पड़ते हैं फिर? अरे देव आत्माएं आत्मा है कि नहीं है, उनके बुद्ध रूपी पांव है या नहीं है? है तो किस पर पांव पड़ते हैं? 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 हाँ, रहते तो ऊंची स्टेज में है, लेकिन पांव कहीं पड़ते हैं कि नहीं? पृथ्वी पर पांव नहीं पड़ते। हाँ, बुद्ध रूपी पांव हैं। अरे भगवान के बुद्ध रूपी पांव नहीं है, वो पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं? पड़ते हैं। तो देवताओं के भी तो बुद्धि रूपी पांव हैं। पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है कि नहीं? पृथ्वी पर देवताओं के पांव नहीं पड़ते, देव आत्मा है तो उनके पांव नहीं पड़ेंगे। भूत हैं, प्रेत हैं, राक्षसी हैं, तो पांव पड़ेंगे, लेकिन देव आत्मा हैं तो देव आत्मा जब तक हैं तो उनके पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जल देवता में प्रवेश करेगा, वायु देवता में प्रवेश करेगा, अग्नि देवता में प्रवेश करेगा, क्या जो और आकाश देवता है ऊंचे से ऊंचा उसमें भी प्रवेश करेगा, लेकिन जब तक वो भूत प्रेत आत्मा नहीं है, देव आत्मा है, तो इन देव आत्माओं में इनमें प्रवेश करेगा, लेकिन पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर। वो पृथ्वी में तब ही प्रवेश करेगा जब तामसी बनेगा। पृथ्वी माने जगदम्बा, जगदम्बा में चंद्रमा दिखाया जाता है महाकाली को, क्या वो कब दिखाया जाता है? जब तामसी बनती है। वो पृथ्वी है तब वो प्रवेश करने वाला चंद्रमा जो है वो देवता नहीं है, अधूरा चंद्रमा है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो आत्मा अकाले मौत से शरीर छोड़ती है ताकि उसके ज्यादा पाप न बने, पाप करते करते पापों का बोझा बहुत बढ़ गया, इसलिए ज्यादा पाप न बने इसलिए अकाले मौत हो जाती है। उस अकाले मौत के कारण वो भूत प्रेत बनता है, अचानक मौत हो जाती है। हाँ, उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है और सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब जब कम हो जाए, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी जिसमें प्रवेश करेगा तो जिस शरीरधारी में प्रवेश करेगा उसका पाप बनेगा या प्रवेश करने वाली आत्मा का पाप बनेगा? जिसने प्रवेश किया उसका पाप नहीं बनेगा, न पुण्य बनेगा न पाप बनेगा। जिसने प्रवेश किया उसका पाप भी बनेगा और पुण्य भी बनेगा, इसलिए उसका गठरी हल्की हो जाती है। जब हल्की हो जाए, बैलेंस थोड़ा बन जाए, फिर उसको जन्म मिल जाता है। इसलिए सभी आत्माओं को शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत नहीं बनना होता है। जो पाप आत्माएं होती हैं
उनको ही सूक्ष्म शरीर मिलता है। हाँ, उनमें भी दो प्रकार की होती है, कोई फरिश्ता कोटि की होती है, पुण्य ज्यादा कराती है, प्रवेश करके पाप कर्म कम कराती है, कोई फिर पाप कर्म ज्यादा कराती है और पुण्य कर्म कम कराती है। और शंकर भगवान थे। अरे शंकर भगवान थे कि शिव भगवान है? अरे शिव भगवान, शिव और शंकर एक ही समझते हो क्या? अरे शिव और शंकर की आत्मा एक ही है या अलग अलग है? भगवान कौन है दोनों में? भगवान तो शिव ही है, गॉड फादर तो शिव ही है, वो मनुष्य तन में प्रवेश करता है। हाँ, तो शंकर के लिए क्या पूछ रहे? भगवान नहीं कहना आप कभी? शंकर को भगवान नहीं कहना? हाँ हाँ, तो शंकर अजर अवर अविनाशी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो आत्मा जो 5000 वर्ष का चक्कर है ना, वो पूरा चक्कर लगाती है। क्या और आत्माएं, उनका चक्कर कुछ न कुछ कम हो जाता है, एक दिन दो दिन चार दिन परमधाम में पड़ी रहेंगी, शरीर नहीं मिलेगा उनको। लेकिन शंकर वाली जो आत्मा है, वो पूरे 5000 वर्ष का पूरा चक्कर लगाने वाली हीरो पार्टधारी है। ये सत्य रूपी ड्रामा जितना भी चलता है आज से लेकर के अंत तक पूरा चक्कर लगाती है। इसलिए अजर अमर अविनाशी, अमर और मृत्यु, शरीर छूट जाता है तो मृत्यु, और शरीर रहे तो अमर। तो 5000 वर्ष में उस आत्मा को कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जो उसकी मृत्यु कहे आत्मा की, माने पार्ट न बजाए, वो अजर अमर अविनाशी इसलिए कही जाती है कि पूरे 5000 वर्ष में पार्ट बजाती रहती है। और आत्माओं का पार्ट कुछ न कुछ कट हो जाता है, जैसे ब्रह्मा का पार्ट 50 साल कम हो गया, 69 में शरीर छोड़ा, 50 साल और ऐड करो, उसके बाद उनको मुकर्रर रथ मिल जाएगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो 50 साल उनके कम हो गए तो उनको अजर अमर अविनाशी कृष्ण को नहीं कहेंगे, शंकर को कहेंगे अजर अमर अविनाशी। वो आत्मा की ये पार्ट की कभी मृत्यु नहीं होती, उनको शरीर कभी खलास नहीं होता। पेड़ पर है कि पेड़ पर? तुलसी के पेड़ में, पेड़ नहीं होता है, पौधा होता है। तुलसी के पौधे में दीपक जलाते हैं और दीपक जला के पूजा पाठ करते हैं। हाँ, तो तुलसी जो है, तुलसी की पूजा होती है ना, पूजा पवित्रता की होती है, या पेड़ पौधे पवित्र रहते हैं?
पेड़ पौधे पवित्र रहते हैं या मनुष्य पवित्र रहता है? मनुष्य पवित्रता का पालन करता है और पवित्रता की पूजा होती है। पेड़ पौधे पवित्रता का पालन नहीं करते हैं। पेड़ पौधे तो छोड़ो, जो प्रजावर्ग की आत्माएं बनती हैं वो भी पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करती हैं। तो समझ में आया, जिस तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं जरूर उसकी यादगार में कोई तुलसी का पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। जो तुलसी दो प्रकार की होती है, एक काली तुलसी होती है, वो घर के बाहर ही होगी जंगल में। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी काली तुलसी का पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है जो भगवान के साथ घर गृहस्थ बना करके नहीं रह सकती? लेकिन थोड़े समय के लिए एकदम शुरुआत में उसने भगवान के साथ संबंध जोड़ा, तो जो बीज है मौसम की शुरुआत में डाल दिया जाता है वो ज्यादा फल देता है, या मौसम जब खत्म होने पाता है तब बीज डाला जाता है वो ज्यादा फल देता है? शुरुआत में उन्होंने जो बीजारोपण किया ना पुरुषार्थ का, पवित्रता का पालन किया भगवान के साथ, भगवान की बन करके रही, चलो 2, 4, 8, 10, 15 दिन ही रही हो, दूसरों की बात बुद्धि में ना आई हो, तो पवित्रता का पालन किया ना, तो वही पालन जो है वो काली तुलसी की भी पूजा करा देता है। जो भगवान के घर में रहती ही नहीं, सिर्फ संबंध जोड़ती मात्र है, संबंध निभाती निभाती नहीं है, जंगल में ही चली जाती है, कांटों के जंगल में। दुखदाई जो कांटे होते हैं ना उन्हीं के बीच में ही रहती है, ऐसा स्वभाव संस्कार पड़ा हुआ है। द्वापर युग शुरू हुआ और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई, तो कांटों के जंगल में गई या फूलों के बगीचे में रही? कांटों के जंगल में चली जाती है। ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, भगवान का जो रथ है उसके नजदीक आती तो सबसे पहले है। यज्ञ के आदि में भी मुरली में आया है, एक बंगिन थी शुरू में, जब सत्संग शुरू हुआ तो शुरू में सिंध हैदराबाद में एक भंगीना आने लगी पहले, और वो इतनी मतवाली थी कि आते ही बाबा को गले लिपट जाती सबके सामने। दस पंद्रह दिन के बाद उसके घर वालों को पता चल गया और वो हुजूम के हुजूम बना करके आए और उसको ले गए। बस उसका इतना ही पुरस्कार। फिर एडवांस में वो ही आत्मा फिर आती है, जो आदि में तो अंत में। एडवांस की जब शुरुआत होती है तो कोई कन्या पहले सरेंडर नहीं होती, पहले वो अपने घरवार को छोड़ करके आती है, पहला बीज उसका पड़ता है भगवान का साथ देने के लिए। लेकिन संबंध तो जोड़ती है, थोड़े समय हरेक का पुरुषार्थ सतो प्रधान रहता है। क्या ज्ञान भी सतो रजो तमो से घूमता है कि नहीं घूमता है? पुरुषार्थ भी सतो रजो तमो से घूमता है, तो उसने भी सतो प्रधानता का पुरुषार्थ तो किया लेकिन बहुत थोड़े समय कर दिया। लेकिन बीज मौसम के शुरुआत में ही डल गया। सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, सन 76 के शुरुआत होते ही उस आत्मा ने पहले अपने को अर्पण किया,
पहले पहले अर्पण किया घरगस्थ बना करके रही भी, लेकिन थोड़ा समय बाद में नहीं निभा सकी, कांटों के जंगल में चली गई। तो भी काली तुलसी का ही वृक्ष क्यों न हो उसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही हरी तुलसी, हरित तुलसी है वो जंगल में नहीं पनपेगी, क्या आंगन में घर गृहस्थ में पनपती है। माने उस आत्मा के ऐसे संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के कि वो कांटों के जंगल में नहीं रहेगी, घर गृहस्थ के बीच में ही जीवन अपना यापन करेगी। या तो भगवान के साथ घर गृहस्थ का जीवन निभाएगी, या तो जहां कहीं भी जाएगी जन्म लेकर गृहस्थियों के बीच में ही रहेगी, कांटों के जंगल में नहीं पनप सकती। और उसकी एक शिष्ट और कि वो आंगन में ही रखी जाती है, क्या बेडरूम में नहीं रखी जाती, आंगन में पनपेगी, आंगन में बिठाई जाएगी, बेडरूम में नहीं रखी जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? आंगन में कौन बैठते हैं? दास दासी, आंगन में चौखट पर बैठा दिया जाता है, बाहर बैठो। जो राजा रानी होते हैं वो अंदर रहते हैं, दास दासी कौन बनते हैं? जो भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं वो दास दासी बनते हैं, या जो भगवान के साथ संबंध निभाते हैं वो दास दासी बनते हैं? है? जोड़ते हैं निभाते नहीं। माने जितने जोड़ने वाले हैं, संबंध जोड़ने वाले, ये तो पक्का हो गया कि जितनों जितनों ने भगवान बाप के साथ संबंध जोड़ा होगा वो राज परिवार के कोई न कोई जन्म में राज परिवार में रह करके दास दासी तक तो जरूर बन जाएंगे। क्या? चलो कोई जन्म जन्मांतर भी दास दासी बने, लेकिन फिर भी ये शर्त यह है कि कोई न कोई जन्म में थोड़े समय के लिए भी प्रिंस प्रिंसेस बन जावे। इसलिए प्रिंस प्रिंसेस की संख्या कितनी है, राज परिवार की संख्या कितनी बताई? 16,108। ये 16,108 आत्माएं वो हैं जिन्होंने भगवान के प्रति अपने को तन से मन से धन से अर्पण किया। उनके लिए निश्चित है कि वो राज परिवार में आके महाराजा महारानी न बने, राजा रानी न बने, कम से कम प्रिंस नहीं, दास दासी के बाद में पहले पहले प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे। क्या? और बाकी जन्मों में दास दासी बन सकते हैं, नहीं है सुन? क्या? जैसे अभी बताया, मिसाल दिया काली तुलसी, काली तुलसी थोड़े समय के निभाती है, लेकिन शुरुआत में निभाया ना, शुरुआत में निकली ना, शुरुआत में बीज बोया ना, तो वो आत्मा संगम युग के आज में जब नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है, नई राजधानी तैयार होती है, तो जमुना के कंठे के रूप में जरूर गाई जाती है। क्या? उस समय यमुना नदी में बाढ़ आ रही होगी या नहीं आ रही? बाढ़ आना बंद हो जाएगी है? जरूर बाढ़ भी आती है, लेकिन फिर भी जमुना का कंठ गाया हुआ है। जमुना के कंठे पर कृष्ण की राजधानी होती है, कंठे माने किनारे पर, किनारा ही है
लेकिन यमुना जब तक नहीं होगी तब तक राजधानी नहीं बनेगी। ये मुरलियों में घोषणा की थी, आने वाले 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है, लक्ष्मी नारायण का 10 वर्षों में जन्म होगा। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो 5000 के चक्कर में से 10 वर्ष घटा दो संख्या से 76 आ जाते हैं। तो 76 में लक्ष्मी नारायण का राज्य बाबा ने घोषित कर दिया। वो मन बुद्धि के संकल्पों के आधार पर फाउंडेशन पड़ा या प्रैक्टिकल में फाउंडेशन पड़ा? मन बुद्धि के संकल्पों के आधार पर बात है। आप हुए मर गई दुनिया, जो जो आत्माएं अपने को दुनिया से मार देती हैं और भगवान की बनती जाती है, भगवान के प्रति अर्पण हो जाती है, माँ बाप छूट गए, घर संबंधी छूट गए, धन संपत्ति छूट गई, बाप का वर्षा छूट गया, किसके बन गए? बाप के बन गए। ऐसी बनने वाली आत्माओं में वो तुलसी वाली आत्मा जो थोड़े समय के लिए निभाती है, उसके लिए ये गायन है कि जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तब किसके कंठे से होगी? यमुना के कंठे से। इतना यमुना नदी का गायन हो गया। जगदम्बा वो पहले सरेंडर तो होती है, यमुना के बाद ही सरेंडर होती है, लेकिन यमुना ने निभाया नहीं और जगदम्बा ने लंबे समय तक निभाया। लेकिन माया ऐसी ठगनी है, ये रावण संप्रदाय इतने विकराल हैं कि अच्छी से अच्छी पुरुषार्थी आत्माओं को भी नीचे ढकेल ले जाते हैं, रावण की जेल में ले जाते हैं। तो जगदम्बा अच्छी पुरुषार्थी है, घर गृहस्थ में रह करके भगवान के साथ निभाने वाली भी है, लेकिन माया के चंबे में आने के कारण जब ऐसी स्टेज हो जाती है कि थोड़ा सा दाग लग जाता है जीवन में, वो दाग जो लग गया उसके कारण उसको पूजा तो होती है, काली तुलसी के मुकाबले हरित तुलसी की ज्यादा पूजा होती है घर घर में, लेकिन आंगन में रखी जाती है, क्या सास होती है बेडरूम में बैठी रहती है या आंगन में बैठती है? आंगन में बैठती है। तो माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं कि नहीं? माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास दासी माँ बाप हो गए। सारा जीवन कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के तुरंत बाद कितनी कमजोरी अनुभव करते हैं, जन्म देने के बाद टट्टी पेशाब साफ करते हैं, दास दासी बनते हैं, कपड़े साफ करते हैं, पढ़ाई लिखाई पढ़ाते हैं, सारे जीवन की कमाई फिर बच्चों को सौंप देते हैं। कोई वेतन लेते हैं? नहीं। इतने बढ़िया दास दासी और कोई मिलेंगे? नहीं। तो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा कही गई है। लक्ष्मी के मुकाबले संगम युग में ऊंची गद्दी लेती है, जो परंपरा में राजाओं के यहाँ चला आया है कि राजमाता को अलग ऊंची गद्दी पर बैठाया जाता है और राज लक्ष्मी को बाजू में बिठाते हैं, उसकी नीची गद्दी होती है, लेकिन घरवार का सारा संचालन लक्ष्मी तो करती है, फिर भी लक्ष्मी को राजमाता की बात सर माथे पर रखनी पड़ती है। लेकिन जो सुख लक्ष्मी भोगती है
वो सुख राज माता नहीं भोग सकती, इसलिए वो हरित तुलसी की पूजा करते हैं तो उसके नीचे दीपक जलाते हैं। माने आत्मा सो गई है, क्या रावण के चंबे में माया रावण के चंबे में आ गई है, उसका दीपक जला दें। हमारा जैसे दीपक जला हुआ है तो हमारा फर्ज क्या है, हम अपनी अम्मा की सेवा करें कि नहीं करें, करें तो पता तो लग गया कि अम्मा का क्या हाल है, राम की सीता का क्या हाल है। लेकिन अब कोई करे या ना करे, तो दीपक जलाते हैं, कुछ खराब काम तो नहीं करते है? भक्ति मार्ग है। अरे भक्ति मार्ग इसलिए वो जड़ दीपक जलाते हैं, आप कौन सा दीपक जलाएंगे? हाँ ये जगदम्बा माता का आत्मा का दीपक जलाने जाएं, कब जा रहे हैं? जहाँ चाह वहाँ राह, क्या अगर अंदर चाह है तो राह निकाल लेंगे, तो कौन सा रास्ता है वहां तक जाने का? मैंने अभी जाना नहीं है कि जगदम्बा की आत्मा कौन सी है, अभी यही नहीं जाना, निश्चय पत्र लिख दिया, बट्टी की, बट्टी की, उसमें निश्चय पत्र लिखा था। अरे हम बट्टी की बात कर रहे हैं, बट्टी की थी, भगवान बाप के घर में जाके जन्म हुआ, ब्राह्मण बच्चे बने, जन्म भी हुआ, उस समय निश्चय पत्र लिखा था, निश्चय पत्र में जगदम्बा का नाम आया था, है? उसमें साइन किए थे, तो आपको पता ही नहीं जगदम्बा कौन है, निश्चय पत्र भर दिया आंखें बंद करके। जिस समय भट्टी करने गए उस समय बहक आया या बाद में बहक आया? बाद में, जो तो आप जिस समय भट्टी करने गए उस समय की तो बात याद करो। इंसान के भूलने की प्रवृत्ति होती है ना, अभी याद दिलाने पर भी याद नहीं आ रहा है, देख लो। फिर वो तुलसी के पास जाके दीपक कैसे जलाएंगे आप? दीपक जलाएंगे तभी तो दीपक जलेगा, आप आत्मा का दीपक जगाने जाएंगे ही नहीं तो जगेगा कैसे? अम्मा के लिए प्यार नहीं है। माता कहेंगी मैं तो पहचानती नहीं, मैं तो भूल गई। चलो और बाबा, योग की गहरी स्थिति क्या होती है? योग की गहरी स्थिति क्या होती है? योग की गहरी स्थिति क्या होती है? योग की गहरी स्थिति होती है सिर्फ बिंदु याद रहे, अपनी आत्मा चाहे परमपिता परमात्मा, उस बिंदु के सिवाय और कुछ याद ना आए, निसंकल्प स्टेज हो जाए, चाहे तो वो बिंदु निराकारी स्टेज वाले बाप के मस्तक में याद आए, मैं और मेरा बाप, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अगर दूसरे दूसरे संकल्प ने इंटरफेयर किया तो गहरी स्टेज याद की नहीं है। उसकी मिसाल क्या है बाबा? अरे मस्त रहेगा, खुशी से भरपूर रहेगा, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उस समस्या से गमगीन नहीं होगा। हाँ
टाइम ज्यादा हो गया है? हाँ ज्यादा दूर जाना, बस बंद करो। दादा जी पर्दा उठा उठा के देख रही है, रात तो नहीं हो गई? शिवा आया, जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। दादा लेख राज में प्रवेश किया, मुरली चलाई तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा। ये पक्का हो गया ना? ऐसे ही शिव आता है ब्रह्मा के मुख से, जो ब्रह्म वाक्य बोले हैं जिसे हम मुरली कहते हैं, उस मुरली को ब्रह्मा ने या ब्राह्मणों ने समझा? नहीं समझा। समझा? नहीं समझा। तो टीचर बनकर के उसे आना पड़ता है, किसको? शिव को। तो शिव जिस तन में टीचर बनकर के आता है, उसी के तन में टीचर बनकर के आता है यज्ञ के आदि में, जिसमें बीज बोने वाला बाप बनकर के आया था। वो शिव पहले बाप का पार्ट बजाया, बीच में आके टीचर का पार्ट बजाता है। तो टीचर का जब पार्ट बजाता है तो बच्चे की बुद्धि को विकसित करता है कि नहीं? विस्तार में ले जाता है ना। जो बीज बोया था ज्ञान का, वो ज्ञान का बीज विस्तार को जाता है, गहराई में जाता है। छोटा बच्चा ज्ञान की बातों को उतना नहीं समझता, जब बड़े स्कूल में पहुंचता है, बड़ा होता है, तो उन्हीं तुलसीदास के दोहों का, कवित्तों का, सूरदास के दोहों का, कवित्तों का विस्तार में अर्थ समझता है। तो ऐसे ही वो ही मुरली, जो मुरली ब्रह्मा के मुख से चलाई थी, उस मुरली के एक एक महावाक्य का विस्तार देता है, एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। तो मन बुद्धि का विस्तार होता है ना, हुआ है या नहीं हुआ है? मन बुद्धि विस्तार में जाती है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। तो दो मूर्तियां हुई, एक ब्रह्मा की मूर्ति हुई सुनने और सुनाने वाली। ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा क्या काम किया उसने है? सुनने सुनाने का काम किया, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। शंकर की दूसरी मूर्ति के द्वारा समझने और समझाने का काम किया। अरे काम तो किया ना, किसने किया? उसने। मीडिया कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हुआ और चाहे शंकर हुआ, जो ब्रह्मा मीडिया हुआ वो दूसरे काम के लिए, और जो शंकर दूसरी मूर्ति मीडिया बनी वो दूसरे काम के लिए, लेकिन कुछ फायदा हुआ? अरे ब्राह्मणों का कुछ फायदा हुआ? दुनिया का कुछ फायदा हुआ? हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो तीसरी मूर्ति चाहिए या नहीं चाहिए? तीसरी मूर्ति चाहिए। तीसरी मूर्ति है विष्णु, माँ बाप, और तीसरी मूर्ति चाहिए विष्णु। वो है वैसे भी शक्ति, माता गुरु चाहिए, गीता माता चाहिए। मनुष्यों की बनाई हुई गीता माता नहीं, जो झूठी कर देते हैं मनुष्य। मनुष्य क्या करते हैं? गीता माता को है खंडित कर देते हैं, व्यभिचारिणी बना देते हैं। लेकिन सच्ची गीता कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं सच्ची गीता।
तो वो सच्ची गीता का पाठ बजाने वाली जो आत्मा है वो ब्रह्मा की तरह सुनने सुनाने वाली नहीं है, शंकर की तरह सिर्फ समझने और समझाने का काम करने वाली नहीं है, वो सुनाना सुनाना भी तब करेगी, समझना समझाना भी तब करेगी जब खुद प्रैक्टिकल जीवन में एक्ट करके दिखाए। तो विष्णु द्वारा है प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल हुआ कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में, तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला मीडिया भी चाहिए या नहीं चाहिए? वो है वैष्णवी देवी, प्रैक्टिकल वो ही करेगा जिसमें प्योरिटी होगी। क्या प्योरिटी होगी तो यूनिटी बनाएगा, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी नहीं बनेगी। चाहे ब्रह्मा को देख लो और चाहे शंकर जी को देख लो, रुद्रमाला के मणके सब एक दूसरे से विपरीत बोलने वाले सोचने वाले हैं, या उनकी यूनिटी दिखाई पड़ रही है बंदरों की कि आपस में ही लड़ रहे हैं? है यूनिटी नहीं है, क्योंकि बंदरों में प्योरिटी नहीं है। उन बंदरों को मंदिर लायक कौन बनाएगा? अरे ऐसा भी कोई ब्रह्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडिया चाहिए या नहीं चाहिए? वो बोल बोल करने वाला चाहिए या प्रैक्टिकल कर्म करने वाला चाहिए? तो प्रैक्टिकल कर्म करने वाली मूर्ति कौन? एडवांस पार्टी की तीन शाखाएं हैं, तीन ग्रुप हैं। एक है ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं का वो ग्रुप जो इंस्पिरेट करता है, इंस्पिरेटिंग पार्टी। दूसरा ग्रुप वो है जो प्लानिंग करता है नई दुनिया की ज्ञान के द्वारा, रुद्रमाला प्लानिंग पार्टी। नई दुनिया के संगठन कैसे बनेगा, नई दुनिया के संगठन का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा, ये सारी प्लानिंग वो इंजीनियर के पास है। हाँ, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं ना, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, वो ज्यादा ऐसे आराम करने वाले होते हैं या मजदूर ज्यादा ऐसे आराम करते हैं? जो ऑफिसर बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े दूर होते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हैं। बड़े बड़े पुलों की प्लानिंग है, बड़ी बड़ी ये क्या नाम मेट्रो लाइन बिछाने की प्लानिंग, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग, सैकड़ों मील लंबे समुन्द्र के ऊपर पुल बनाने की प्लानिंग, कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं। चंद्रमा पर रॉकेट ले जाने की प्लानिंग कर देंगे, प्लानिंग में बहुत होशियार। लेकिन दुनिया नरक की नरक रहती है या स्वर्ग बनती है? क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत भरी हुई होती है उनमें कूट कूट के। इसलिए तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली। वो प्रैक्टिकल होता है काहे से, प्योरिटी से। और वो वही आत्मा हो सकती है जिसने 63 जन्म अब विचारी पार्ट एक के साथ बजाया हो। क्या अनेकों आत्माओं के साथ नहीं, एक के साथ? अरे 500 करोड़ पार्टधारियों में से कोई ऐसी भी तो आत्मा होगी जो 84 के चक्कर में तो आएगी, लेकिन स्त्री पुरुष के रूप में पार्ट सिर्फ एक आत्मा के साथ बजाएगी।
कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। अगर ऐसा करेगी तो अगले जन्म में उनकी याद आएगी कि नहीं? याद आएगी। जब अगले जन्म में उनकी याद आएगी तो उनके साथ फिर संसर्ग भी हो जाएगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो एक आत्मा का ऐसा भी पार्ट है कि जन्म जन्म लगे रगर हमारी, वरों शंभु नतु रौ कुआरी। सन्यासी बनना पसंद, और प्रैक्टिकल में भी ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाता है कि वो आत्मा अभी भी सन्यासियों के बीच पल रही है या गृहस्थियों के बीच पल रही है? सन्यासियों के बीच पल रही है। उसका विरुद्ध है, या तो सन्यासी बन के रहूंगी, अगर गृहस्थी बन के रहूंगी तो सिर्फ एक के साथ। ये प्योरिटी जो है वो भगवान बाप को आकर्षित करती है, और भगवान शिव बाप उसके द्वारा प्रैक्टिकल कर्म कराते हैं। क्या? बोल बोल नहीं, सुनना सुनाना नहीं, समझना समझाना भी नहीं। सुन लिया और समझ भी लिया, अब क्या रह गया करने के लिए? जिसके लिए अध्यक्ष बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिया। क्या डायरेक्शन दिया? अरे ब्रह्मा के द्वारा इतना लंबे समय तक पुरुषार्थ किया, शंकर की दूसरी मूर्ति के द्वारा भी इतने लंबे समय तक एडवांस पार्टी वालों के द्वारा पुरुषार्थ हुआ, अब क्या रह गया जिसका डायरेक्शन बाप दादा ने दे दिया? भूल गए? अरे भूल गए? विजय माला का आह्वान करो, यही काम रह गया ना। ये पवित्र आत्माओं का आह्वान होगा तो ब्राह्मणों की यूनिटी बन जाएगी। ये कलयुग की दुनिया में खास बात है। क्या? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जनता पार्टी में अकेला अटल बिहारी वाजपेयी, उसी की महिमा होती थी, और बाकी सब कहते सब कचरा है, बेकार है। तो फेल हुआ या पास हुआ? फेल हो गई। ऐसे ही एक नई दुनिया बनाना एक का काम नहीं है, और वो एक तो वो ही है, वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्या चाहिए? संगठन चाहिए, और संगठन प्योरिटी के बगैर हो नहीं सकता। इसलिए आखिर हार करके बाप दादा को कहना पड़ा, विजय माला का आवाहन करो। तो जो तीसरी मूर्ति है वो ब्रह्मा नहीं है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली। क्या मुंह से बोल बोल को ही ब्रह्मा कहा जाता है? प्रैक्टिकल एक्ट से लोगों को नहीं सिखाया जाता? ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं, चेहरे को देख करके पैदा नहीं हो सकते। चेहरे की खुशी देख करके ब्राह्मण पैदा होंगे या नहीं होंगे? है? होंगे। वो है प्योरिटी। बोल बोल करने को प्योरिटी नहीं कहा जाता। ये नियम तो चलता है सिर्फ है सतयुग त्रेता में, 21 जन्म, एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष। उसके बाद नियम बदल जाता है। क्या नियम बनता है?
जिन्होंने एक्यूरेट याद ज्यादा किया परम पुरुष को, वो पुरुष का जन्म ज्यादा लेंगे। अंतमते सुगते। और जिन्होंने ब्रह्मा को ज्यादा याद किया वो काय का जन्म लेंगे, स्त्री का जन्म ज्यादा लेंगे। माने वैष्णवी देवी को स्त्री के जन्म ज्यादा होंगे 63 जन्मों में। और जगत पिता को पुरुष के जन्म ज्यादा होंगे। तो जो विरोध है पार्वती वाली आत्मा का, उसको भी अपना विरोध पूरा करने का मौका मिल जाएगा। ज्यादा जन्म स्त्री के होंगे तो ज्यादा जन्म में किसके साथ रहेगी है, उसी एक के साथ रहेगी, तो उसकी इच्छा की पूर्ति हुई ना। तो ये नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कोई आत्माएं हैं जो पुरुष का जन्म ज्यादा लेंगी, माना द्वापर युग से दो दो जन्म स्त्री बनते रहेंगे, एक जन्म में पुरुष, दो जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, दो जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष। उनमें स्त्रीत्व के संस्कार ज्यादा होंगे, यहाँ भरे होंगे तभी तो वहां होंगे, पालना के संस्कार ज्यादा होंगे। कोई ऐसे होंगे दो जन्म पुरुष एक जन्म स्त्री, फिर दो जन्म पुरुष एक जन्म स्त्री, फिर दो जन्म पुरुष एक जन्म स्त्री। महापुरुष को याद करना, परम पुरुष को। तो ये नियम है, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। अच्छा, अब गुलजार दादी को आवाहन करने वालों को गुरु बनाना पड़ेगा है, उनसे पूछना पड़ेगा कि गुलजार दादी में ब्रह्मा का आवाहन कैसे करते हो। अरे आपने भी तो गुलजार दादी में ब्रह्मा का आवाहन किया कि नहीं किया, थोड़ा बहुत किया कि नहीं किया, किया ना। तो जैसे वहाँ ब्रह्मा का आवाहन किया ऐसे यहाँ वैसे भी का आवाहन करो। एडवांस है, माने पिछले जन्म में ब्रह्मा कुमारी नहीं थे, भूल हो गई। हाँ याद आ गया। आपको याद भी जल्दी आ जाता, आप भूल भी जल्दी जाते। देखो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं, बैठे हैं ना। सबसे ज्यादा सफेद कपड़ों वाली ब्रह्मा कुमारी कौन सी दिखाई पड़ रही है बताओ, विजय माता। तो ब्रह्मा कुमारी रही कि नहीं, किसको नहीं देखा। 68 से ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और 68 से लेकर के अभी 2008 हो गए, कितने साल हो गए, 40 साल हो गए।
40 साल में कितने नए ब्रह्मा कुमार कुमारी पैदा हो गए होंगे, हैं? ढेर के ढेर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। उन्होंने ब्रह्मा को देखा नहीं देखा? आवाहन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? आपको कोई मुसीबत आई हुई है, हैं? क्या मुसीबत है? हाँ नहीं, एक मुसीबत है, ये हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं तो याद, हमने गांधी जी को देखा ही नहीं तो हम गांधी जी को कैसे याद करें? वो आवाहन करें, याद करने की बात नहीं, याद तो एक को करना है। हमने वैष्णवी को देखा ही नहीं तो हम आवाहन कैसे करें? अरे जिसको चाह उसको राह, राह माने रास्ता, जिसको चाह होती है वो रास्ता निकाल लेता है। अरे ब्रह्मा कुमारियों की तो ढेर के ढेर चित्र छपते ही रहते हैं, फोटो, कोई भी ज्ञान पत्रिकाएं खोल के देख लो, कहीं भी मिल जाएगा फोटो फोटो। हैं? सीढ़ी भी मंगा के देख लो, देख लिए सब। हाँ अभी तो सीढ़ियाँ भी निकल पड़ी। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, क्या सीढ़ी में देख सकते हैं? हाँ देखा है सीढ़ी, देख सकते हैं ना, पहले देखा हुआ है नहीं देखा। और सीढ़ी देख देख करके दूसरों को तकसीम भी की हुई है। सफेद कपड़ों वाली ब्रह्मा कुमारी है, गुरु होती है गुरु। चलो ओम शांति।